तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। तो फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हो मेरे हाथ में एक सैमसंग कंपनी का फोन आया है, ठीक है। और इस फोन में हमसे पैटर्न लॉक मांगा जा रहा है और ये पैटर्न लॉक हमें याद नहीं, ठीक है। यदि आपसे फोन गलती से लॉक हो गया है पासवर्ड में या पिन लॉक में या फिर पैटर्न लॉक में, और आप अपने फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को नहीं हटा पा रहे हो, चाहे सैमसंग का हो, सैमसंग का चाहे कोई भी मॉडल हो, और आप घर बैठे ये अनलॉकिंग ट्रिक सीखना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए, कैसे सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन, पासवर्ड, पिन, पैटर्न को कैसे हटाया जाता है, या कैसे FRPA बाईपास किया जाता है, या कैसे हार्ड रीसेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको मैं घर बैठे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सैमसंग का फोन अनलॉक हो जाएगा और साथ में आपका डाटा भी रिकवर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको करना क्या है समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। आपको सबसे पहले हमें ना कोई कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी और ना हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, ना हमारा पैसा खर्च होगा और ना ही हमारा डाटा डिलीट होगा। तो हम अपने फोन को घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन का वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा और ये फोन में से आप सिम कार्ड को निकाल ले या तो एयरप्लेन मोड का ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा। एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे। लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाने के बाद इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन कीजिएगा। इसके बाद आप डायल पैड को ओपन कीजिएगा। आपको यहाँ पे पहला FRPA अनलॉकिंग कोड यूज करना होगा यहाँ पे, जो कि हमें सर्विस सेंटर से मिला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस अप्रैल सीजन का कोड है जो कि एक्टिवेट करना है FRPA बाईपास, ठीक है। तो इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो इस कोड को आप फटाफट अपने फोन में कॉपी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इस कोड को कॉपी कर लेने के बाद मिला लें, ठीक है ना। वह चांस आपसे एक भी अंक छूट जाएगा या मिस्टेक से गलती अंक वहां पे रहेगा तो आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाएगा और ना ही FRPA बाईपास हो पाएगा, ठीक है। तो इस कोड को हमें करना क्या है, एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन है, कॉल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा ओके का। आपको यहाँ पे परमिशन में ओके करके इस कोड को हटा लेना है। जब ये कोड हमारा कंप्लीट हट जाएगा तब हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे डाटा रिकवर कोड यूज करना है। जी हाँ फ्रेंड, डाटा रिकवर कोड भी आपको यहाँ पे यूज करना है। इस कोड को आप यूज कीजिएगा, ये आपका डाटा रिकवर कोड है। फिर कॉल करेंगे, फिर ओके का ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पे। आपको फिर से ओके पे प्रेस करना है एंड देन इस कोड को फिर हमको हटा लेना है और रीसेट कोड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे *#899 और ये हैश, ये कोड को यूज करेंगे। यहाँ पे इस कोड को यूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर सेल पेज पे आओगे और यहाँ पे आपको बहुत तरह का ऑप्शन होगा, बट हमें वही ऑप्शन यूज करना है जिससे हमारा हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो हमें मैनुअल टेस्ट ऑप्शन को ओपन करना है, सेकेंड नंबर डिवाइस पे आना है, इसके बाद नीचे आना है, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, बैक करके OTG टेस्ट को ओपन कर देंगे। अब ये हमारा 20 सेकेंड का OTG टेस्ट चलेगा, ठीक है। इस OTG टेस्ट में हमें क्या करना है, नहीं करना है, इस OTG टेस्ट खुद ही आपको बताएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक ये पूरा 20 सेकेंड कम्प्लीट ना हो जाए। तो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसे बैक कर लीजिएगा। फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, अदर्स पे, और हार्ड रीसेट पे क्लिक करके आपका ऑप्शन पास हो जाएगा। होम बटन का क्लिक कीजिएगा, आपका सैमसंग का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।